नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, भारत में भी तालाबंदी लगी हुई थी, तब भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 प्रस्तुत किया और न्योता दिया कि इस पर बातचीत की जाए। बहुत जटिल मुद्दा है, कैसे समझा जाए, तो किसी अनुभवी व्यक्ति को हम आपके सामने ला रहे हैं जो तकरीबन 30 साल से अधिक बिजली क्षेत्र में काम कर चुके हैं और इस समय ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के संरक्षक हैं, के अशोक राव। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर। तो आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि आखिरकार ऐसा क्या आन पड़ा कि जब न्यायिक संस्थाएं तक भारत की काम नहीं कर रही हैं, उस समय इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा। क्या दिक्कतें हैं पावर सेक्टर में इस समय कि ऐसा बिल लाना पड़ा, इतना महत्वपूर्ण बिल इस समय? ये पावर सेक्टर में कोई तकलीफ नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी। जो भी तकलीफ थी वो केंद्र सरकार की थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2014 में ऐसा कानून लाने की कोशिश की और उनको वापस लेना पड़ा। फिर 2018 में कोशिश की, उनको वापस लेना पड़ा। और कानून ना होने के बावजूद ये केंद्र मंत्री श्री आरके सिंह, ये मैं आपको खाली एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि ये केंद्र मंत्री किस तरह से राज्य सरकारों से ये बोलते थे। अंग्रेजी में पढ़ के फिर हिंदी में बताऊंगा। स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल हैव टू बी हैंडेड ओवर इलेक्ट्रिकल सप्लाई बिजनेस टू मल्टीपल लाइसेंसीज और फ्रेंचाइजीज टू गेट सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन विल ओनली सेंक्शन लोन्स इफ दिस देयर इज अ कंप्लीट पैकेज। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट से उनको ये आदेश दिया जा रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है वो प्राइवेटीकरण, उसका निजीकरण करिए, मल्टीपल लाइसेंसेस को दीजिए, नहीं तो आपको कर्जा नहीं मिलेगा। एक मिनट मैं रोकूंगा आपको। इस पहलू को थोड़ा सा आप स्पष्ट करेंगे कि ये क्या है जो निजी क्षेत्र में है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां क्या होती हैं? अच्छा, ऐसा है, अभी बिजली में सबसे पहला तो बिजली पैदा होता है किसी पावर हाउस में, उसको हम जनरेशन कहते हैं, कहीं से भी जहां पैदा होता है। उसके बाद उसको तार से ले जाना पड़ता है, कोई और तरीका नहीं है सिवाय तार के। तो तार से ले जाने के लिए हाई वोल्टेज में, जितना हाई वोल्टेज में ले जाएंगे उतना कम आपको लॉसेज होंगे, तो इसलिए उसको स्टेप अप करके ट्रांसमिशन करते हैं। उसके बाद आपको घर पे लाने के लिए उसका वोल्टेज नीचे लाना पड़ता है 220 और अमेरिका जैसे देश में 110 या 220 वोल्ट, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब जो ट्रांसमिशन जहां खत्म होता है वहां से ट्रांसफार्मर लगा के ट्रांसफार्मर को नीचे करके फिर आपके घर तक पहुंचाया जाता है। ये आमतौर पे तीनों मिलके एक ही होता था, उसके बाद 2003 के कानून के बाद उनको तीन हिस्सों में तोड़ दिया गया। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत करीब करीब सब जगह सिवाय दिल्ली के और ओडिशा में उन्होंने कोशिश की थी, आज उन्होंने दोबारा प्राइवेटाइज किया। करीब करीब सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरकार के पास है। तो उनका एक ये पहलू चला कि डिस्ट्रीब्यूशन बेशक है पूरे स्टेट का, पर टुकड़े टुकड़े आप प्राइवेटाइज कर दीजिए, जैसे आगरा आगरा टोरल को दे दीजिए, नागपुर किसी को दे दीजिए, जलगांव किसी को दे दीजिए, भले महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इनको फ्रेंचाइजी कहते हैं, जो मतलब जिनके जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास कोई एसेट्स नहीं है, जिनका जो ट्रांसफार्मर और लाइन्स पे कोई उनका हक नहीं है, वो उनकी उनकी जायदाद नहीं है, पर उनको उसका इस्तेमाल करने का अधिकार है, तो वो फ्रेंचाइजी कहते हैं। केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को धमकी दी कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को तोड़ के टुकड़े टुकड़े बना के उनको फ्रेंचाइजी और सब लाइसेंसी को दोगे, और वो भी प्राइवेट वालों को,
तभी आपको कर्जा मिल सकता है। इस तरह का वातावरण जो है, इस तरह का बिहेवियर जो है, वो खाली एक शाहूकार करता है। एक शाहूकार और कर्जा देने वाला जो पर कोई एक सरकार दूसरी सरकार के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करता। और ये लैंग्वेज देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल हैव टू हैंड ओवर, विल हैव टू हैंड ओवर, मतलब देना ही पड़ेगा वरना कर्जा नहीं मिलेगा। तो ये मतलब पूरी साजिश चल रही थी, अब वो चाहते हैं कि इस पर कानूनी तौर से कर दिया जाए। सबसे पहला जो बिल बना था, सबसे पहला एक्ट आया था इलेक्ट्रिसिटी बिल, सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल 1948 में आया था, उसके बाद से अमेंडमेंट होते हुए 2003, तो इनमें आखिरकार ऐसी क्या कमियां थी जिसकी वजह से 2019 का बिल लाया गया, 2020 का ये जो बिल लाया गया है, और इस बिल में है क्या, किस चीज के बारे में बात की जा रही है? 1948 में बाबा साहेब अंबेडकर बिजली के महकमे के मंत्री थे, और उस जमाने का जो बिल बना था वो बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था। खाली कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, बहुत कम लोगों को पता है कि 1948 का जो बिल बना था वो इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1948। और उसका मैं खाली एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूँ। The coordinated development of electricity in India on a regional basis is a matter of increasingly urgent importance for post-war reconstruction and development. मतलब हमें जो है सारे प्रांतों को और सारे देश के जो जो regional basis पे हमें पूरे देश का निर्धारण करना है। अब आप सोचिए 1880 में न्यूयॉर्क में थॉमस एडिसन ने बिजली का एक बत्ती जलाया, और कोई 30-35 साल के बाद लेनिन ने कहा कि कम्युनिज्म इज सोवियत पावर प्लस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उनका यह मानना था कि हर गांव कूचे गली में बिजली जाएगी तभी देश का उदाहरण होगा, तभी देश की तरक्की होगी। और उनका पहला जो प्लान था उसका नाम था गोयल रोड प्लान। तो पूरे दुनिया में ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हर कूचे गली तक जब तक बिजली नहीं जाएगी देश का उन्नति नहीं हो सकती। तो यही बाबा साहेब के दिमाग में था और उसी के बेसिस पे इन्होंने कानून बनाया। उसके बाद न्यू लिबरलिज्म आया, आपने 1991 में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एग्रीमेंट किया, और वहां वर्ल्ड बैंक ने एक इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी बनाया जिसमें उन्होंने, पहले वर्ल्ड बैंक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को कर्जा देता था, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जब तक ये स्ट्रक्चरल ब्रेकअप नहीं होगा, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट नहीं होगा बिजली का, और इसको अलग अलग टुकड़े नहीं किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं ले जाया जाएगा, हम कर्जा नहीं देंगे और कानून बदलना पड़ेगा। अब सोचने की बात यह है कि एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने कानून लिखा, हमारे देश ने नहीं लिखा, क्योंकि जो इंडोनेशिया में कानून बना या बांग्लादेश में कानून बना, जो इंडिया में कानून बना, करीब करीब सेम है। अब आप सोचिए बांग्लादेश की क्या औकात है, इंडोनेशिया की क्या औकात है, और हिंदुस्तान की क्या औकात है। पर कानून हमारे एमपीज ने पास किया पर लिखा किसी और ने है, ये बड़े अफसोस की बात है। और 2003 का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि वी मस्ट मेक इट इन्वेस्टर फ्रेंडली, मतलब पूंजी निवेश करने वालों के लिए, ना कि रीजनल डेवलपमेंट या प्रजा के लिए, ये पूंजी निवेश वालों के हित में हमें बनाना चाहिए। और इसमें जो सबसे मूल सिद्धांत था कि बिजली बोर्ड को तीन टुकड़े में तोड़ दिया जाए, जनरेशन में, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में। और ट्रांसमिशन जो है एक रीढ़ की हड्डी बनी रहेगी, ये बेशक सरकार के हाथ में, रीढ़ की हड्डी, और दिमाग तो है जनरेशन समझ लीजिए और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए। तो ये रीढ़ की हड्डी जो है सप्लाई करेगी सब कुछ सारा। तो ये जनरेशन जो है ये प्राइवेटाइज किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज किया जा सकता है। और यही हुआ, उसके बाद एनरॉन ने आने की कोशिश की, देश को बर्बाद करके चला गया, किसी को चूल नहीं हुआ। वहां डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज करने के लिए
उड़ीसा ने AES कंपनी को बुलाया, वो साइक्लोन आया, उन्होंने कहा यार यहाँ तो तबाही मच गई, पैसे लगाने पड़ेंगे, वो रात रात भाग गए होटल से भाग गए, कोई कुछ नहीं कर पाया, अब हम वापस उसी परिस्थिति में आ गए। तो ये जो अभी का जो बिल है 2020 का जो बिल प्रस्तुत किया गया, इसमें क्या प्रावधान है जिस पर परेशानियां आ रही हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें जो है बहुत बहुत सीरियस और बहुत बहुत सीरियस इश्यूज है। सबसे पहले ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे जो संविधान है उसमें बिजली जो है दोनों की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार राज्य और केंद्र राष्ट्र सरकार की, और जो 1948 का जो बिल था उसमें बेसिकली बिजली पहुंचाना जिम्मेवारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की थी, और इसका सुपरविजन रेगुलेशन और फैसिलिटेशन जो है वो केंद्र सरकार की थी। अब ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में सारा डोर आ जाए, सारे सब कुछ उनके हाथ में आ जाए, और स्टेट गवर्नमेंट्स केवल मतलब उनकी कोई खासियत नहीं होगी। उदाहरण के तौर से ये जो एक 2003 के बिल में था कि टैरिफ मतलब क्या कितने पैसे आप देंगे, क्या आप कितना देंगे, एग्रीकल्चर कितना देगा, दूसरा तीसरा कितना देगा, इसको कहते हैं टैरिफ पॉलिसी। 2003 में ये था कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी बनेगी और हर स्टेट अपना अपना जो परिस्थितियां है उसके बेसिस पे वो अपना रेगुलेटरी कमीशन टैरिफ बनाएगी। अब उन्होंने जो किया है कि वो कंपल्सरी कर दिया, मतलब रिकमेंडेटरी को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। अब ये वर्ड्स क्या है, रिकमेंडेटरी और मैंडेटरी, आप हिंदी में बोलिए तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो रिकमेंडेटरी का मतलब एक मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ऐसे करिए, उसके बदले मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ। तो अब जो इस बिल को पास होने के बाद केंद्र सरकार जो भी टैरिफ पॉलिसी बनाएगा वो उसका पालन करना बिल्कुल अनिवार्य होगा। अनिवार्य होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं, रेगुलेटरी कमीशन के लिए, मतलब रेगुलेटरी कमीशन खाली एक ड्रामेबाज होगा, उसको क्या करना है, खाली पालन करना है ना, उसको सोचने की उसका दिमाग निकाल दिया। दूसरा, रेगुलेटरी कमीशन में कौन बनेगा, मेंबर बनेगा, इसका निर्णय जो है एक ही कमेटी बनाएगी पूरी देश के लिए, जो केंद्र सरकार बनाएगी। मतलब केंद्र सरकार बनाएगी एक कमेटी और वो कमेटी सारे स्टेट के जितने रेगुलेटरी मेंबर हैं उन सबका जो सिलेक्शन करेगी, उन सबको चुनेगी, और ये उसमें खाली दिखाने के लिए स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में, एक साल के लिए, मतलब 35 साल के बाद किसी को मौका मिलेगा। या मतलब ये खाली एक तमाशा है, अरुणाचल से शायद शुरू होगा, तो करीब करीब समझ लीजिए कि ये खत्म हो जाएगा। तीसरा, ये क्रॉस सब्सिडी और सब्सिडी हटाने की बात हो, इसके बारे में जब विस्तार में बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट और सेंटर का क्या इसका इम्पैक्ट होता है। तो करीब करीब इसके जो केरला गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट और कई सारे सरकार के मुख्यमंत्री, पांडिचेरी, इन सरकार के मुख्यमंत्रियों ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि ये हमें मंजूर नहीं है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के साथ खिलवाड़ करें और हमारे जो पावर्स हैं, जो हमारे को जो संविधान ने दे रखा है उसको आप डाइल्यूट करके उसको आप खत्म कर दें, ये हमें मंजूर नहीं है, ये सारे चीफ मिनिस्टर ने लिखा है। ये बात तो आपने बता दी कि इसके सदस्य क्या होंगे, केवल केंद्र सरकार इस पर निर्णय करेगी, लेकिन आप ये बताइए कि अगर राज्य सरकार की उसमें सहमति ना हो, राज्य सरकार के उसके सदस्य ना हो, या बहुत बड़े स्तर पर उसमें सहभागिता ना हो, तो कैसी परेशानियां आती हैं और क्या मतलब दिक्कतें आती हैं? बिजली
आप सोचिए बिजली की जो ऐसी चीज है जो कि यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। अब आप चंडीगढ़ को लीजिए या दिल्ली लीजिए, एक शहर है, सारे मकान एक के साथ एक है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। उसकी तुलना में आप J&K या हिमाचल प्रदेश या कोई पहाड़ी इलाका ले लीजिए, एक घर हो दूसरे घर में शायद 2 किलोमीटर का फासला हो पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों पे ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। इसी तरह किसी जगह वो कृषि प्रधान देश है, राष्ट्र है, और कई जगह जैसे उड़ीसा है वहां पे ज्यादा स्टील मिल्स और कोल मिल्स, वहां शायद इंडस्ट्रियल लोड ज्यादा। अब आप महाराष्ट्र और उड़ीसा का, और इसी तरह कोई छोटा राष्ट्र स्टेट है, कोई बड़ा स्टेट है, कोई कॉम्प्लेक्स सिटीज है, तो सबको एक जैसे नहीं देखा जा सकता। इसलिए ये जरूरी है कि जो स्टेट का जो भी परिस्थिति है और स्टेट के अंदर जो कठिनाई उपलब्ध है उनको मद्देनजर रखते हुए रेगुलेटरी कमीशन का कर्तव्य है और स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी के साथ वो टैरिफ को निर्णय करे। और ये नहीं कि केंद्र सरकार एक बनाए और उसी को सब का पालन किया जाए। ये बात बहुत सुनने को आ रही है कि कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों द्वारा कि किसानों को जो सब्सिडी दिया जाती थी डिस्कम्स को, वो अब DBT के माध्यम से सीधे किसानों को पैसा दे दिया जाएगा और वो उसका भुगतान करेंगे, इस वजह से दिक्कतें नहीं आएंगी, जो हानियां हो रही है वो नहीं हो पा रही हैं। इस पर आपका क्या राय है? DBT के बात करने के पहले मैं किसानों की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि किसान ने बहुत बदनाम कर रखा है। किसानों जो जो मन में आए वो कहता है यार किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, वोट के लिए बेच दिया गया बिजली, ऐसे जैसे कि वो कोई भिखारी है और उनके वोट के लिए हमने मुफ्त बिजली दी है। किसान को बिजली नहीं चाहिए, उसको पानी चाहिए। पानी से गेहूं उगता है, बिजली से नहीं, बिजली पानी लाता है। अब मेरे को बताइए कि अजय कुमार के पास जमीन है जिसमें वो गेहूं उगा रहे हैं और उनको मिलता है नहर से पानी, और मैं जो है एक कुआं खोदता हूं उसमें बिजली का पंप लगाता हूं, बिजली से मैं पानी निकालता हूं। अब दोनों का सेम दर पैसा होना चाहिए कि नहीं? कॉस्ट आप 1 टन गेहूं उगाने के लिए 2 मिलियन टन यानी 200,000 liter पानी चाहिए। अब किसान कहता है यार मेरे को जिस दर पे आप नहर का पानी दे रहे हो 2 मिलियन टन, उसी दर पे मेरे को दे दीजिए, मेरे पानी से मतलब है। तो आप उसका टैरिफ उस बेसिस पे बनाइए, मुफ्त होता है मुफ्त हो, अगर 20 रुपए यूनिट होता है 20 रुपए यूनिट बनाइए, पर दोनों की कोई पैरिटी तो होनी चाहिए ना, किसान को भिखारी नहीं है। अब आया आपका बात DBT का, अब ये कह रहे हैं कि एक जो जो अगर बिजली का दर 10 रुपए है पर यूनिट, समझ लीजिए 10 रुपए पर यूनिट है, तो जितना यूनिट किसान या मैं या कोई भी हो, वो जो भी रेट होगा उस रेट पे उनको पूरे पैसे का भुगतान करना पड़ेगा, और उसके बाद सरकार जो है उनको उनके बैंक में उसका पैसा डायरेक्ट भेज देगा। अब इसका मतलब किसान को करीब करीब हर महीने 7-8 हजार रुपया उसको भुगतान करना पड़ेगा, बाद में उनके पास आ जाएगा पैसा। तो ये पहली बात तो ये है कि ये असंभव है, किसान के पास ऐसा पैसा होता नहीं है। और दूसरी बात, सरकार से पैसा आना तो ये तो मतलब खुदा से कोई दान लेना वर लेना, तो दोनों एक बराबर है। तो तीसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या कानून पैसे बनाता है? कानून तो नहीं पैसे बनाता,
1948 के कानून में लिखा हुआ था कि सरकार की ये जिम्मेवारी होगी कि वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3% मुनाफा पहुंचाएंगे, रेट ऑफ रिटर्न उनको पहुंचाएंगे 3%। ऐसा किसी चीज में कानून में नहीं लिखा है कि कानूनी तौर से आपको मुनाफा पहुंचाना है, किसी कानून में नहीं लिखा है, प्री कानून में लिखा हुआ था। अब किसी सरकार ने इसका पालन नहीं किया, सबने उल्लंघन किया, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, पैसा नहीं था उनके पास, तो क्या ये कानून का फेल्योर था? नहीं, कानून में तो लिखा हुआ था कि भाई इसका मतलब यह था कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है कि किसी को, किसानों को या गरीब को, किसी को आपने मुफ्त बिजली देनी है, तो आप अपने तजोरी से पैसा दीजिए ताकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3% रेट ऑफ रिटर्न मुनाफा हो। ये 48 के एक्ट में लिखा हुआ था, तो ये इसका पालन नहीं हुआ। अब आप 2003 के एक्ट में आ जाइए, 2003 के एक्ट में ये लिखा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे पैसा, और उसका भी नहीं हो रहा है उल्लंघन। आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हजारों करोड़ों के घाटे में बैठे हुए, तो एक और कानून बनाने से क्या पैसे रुक जाएंगे? क्या पैसे कानून से तो नहीं उठते? क्यों नहीं है पैसा? क्या प्रॉब्लम है? कानून की वजह से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये कहना कि किसान पहले जमा कर दे पैसे उसके बाद हम देंगे, ये मेरा ख्याल है कोई किसान इस बात को मानने को तैयार है, और मेरे को पूरा विश्वास है कि किसानों पे आंदोलन होगा इस बार। ये जो आपने बात कही, इसमें एक बहुत जरूरी बात ये आ जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिंग वाली जो बात है, इसको एकदम लागू ही करवाना है। तो क्या जब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिंग की बात की जाती है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ कमियां होती हैं क्या, जैसे फिक्स्ड और वेरिएबल रेट की कमियां, या ये बता, ये जो इससे क्या दिक्कतें आती हैं, और क्या जो पब्लिक इंटरेस्ट का इसमें ध्यान रखा जाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपके न्यूज क्लिक और बिजली वालों के, और जो भी बिल्डिंग में उसके किराएदार है तो जो मालिक है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, बिजली के जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, बिजली खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो एक इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है, तो किसी कमोडिटी के लिए, किसी सर्विस के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। तो बिजली में क्या जरूरत पड़ेगी कि एक अलग एक्ट बनाए, अलग अथॉरिटी बनाया जाए, और ये अथॉरिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट करेगा। तो हाँ, क्या ये रेगुलेटरी कमीशन जो बनाई हुई है और जो सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन बनाई हुई है, ये क्या करेंगे? इनका क्या काम होगा? इनको छोड़िए, ये बात छोड़िए, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिजली एक सर्विस है, एक सेवा है, या एक कमोडिटी है, एक वस्तु है? तो सेवा है तो उसको अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर वो वस्तु है, जैसे ग्लास है या कागज है या साबुन है या तेल है, तो उसको अलग तरीके से। अब ये सारी चीजें एक तरफ छोड़िए, असल प्रॉब्लम क्या है? ये अथॉरिटी क्यों बनाई जा रही है? वो इसलिए कि बहुत सारे पीपीएस बने हुए, मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट। इसका मतलब जो जनरेट कर रहा है बिजली उससे खरीदने के लिए एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के। आप ताजुब करोगे, मध्य प्रदेश जैसे राष्ट्र में 3 से 4 हजार करोड़ रुपया प्राइवेट बिजली वालों को देना पड़ रहा है, जबकि एक यूनिट भी उनसे नहीं खरीदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिजली खरीदने में 2 पहलू है, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। तो चाहे आप बिजली ले या ना ले, आपको फिक्स्ड कॉस्ट देना ही पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट अलग। तो चाहे आप बिजली ले ना ले, आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये 25-25 साल के गुजरात में वो आज भी ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा
सोलर एनर्जी 15-15 रुपए पर यूनिट पे खरीद रहे हैं, जबकि आज 2.44 रुपए पे मिल रहा है और 25 साल का ये एग्रीमेंट है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जब आए उन्होंने कहा यार ये क्या है, इसको रिनेगोशिएट करिए, तरीका निकालिए, तो सब टूट पड़े वो आंध्र प्रदेश में। तो अब ये एक अथॉरिटी लाएंगे जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, जो ये 15 रुपए को प्रोटेक्ट करेगा, जो ये फिक्स कॉस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, जो ये इनको एक तरफ रखिए। 34 प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट्स लगाए गए इस देश में, जो चीन से सारा इक्विपमेंट आया, BHEL के 4 साल का प्रोडक्शन उन्होंने इंपोर्ट किया और सब घाटे पे चल रहे, उनको बचाने के लिए अथॉरिटी चाहिए। तो क्या ये देश हम लोगों का है या पूंजीपतियों का है, इसका निर्णय करिए सबसे पहले, नागरिकों का है या पूंजीपतियों के लिए, क्या कानून नागरिकों के लिए बनेगा या पूंजीपतियों के लिए बनेगा, इसका निर्णय करिए, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, शासन पावर प्लांट लगा था और मैं डिटेल्स में नहीं जाना जाता, इसके खिलाफ ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में चले गए, 1,000 करोड़ का बचत हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियरली बोला, मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इट इज क्लियर दैट द मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ गेट्स अफेक्टेड, द कंज्यूमर इंटरेस्ट कम्स इन एंड पब्लिक इंटरेस्ट गेट्स अफेक्टेड। If there is any element of public interest involved, the court steps in to thwart any waiver which may be contrary to public interest. Supreme Court ने कहा कि आपके कोई contract हो, अगर इसमें public interest involved है, तो उस contract में दखलंदाजी देने का काम court का है। तो कहां से आप contract authority बना रहे, जब यह Supreme Court का आदेश है, तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है और कॉमन सेंस के खिलाफ है। ये बार बार इसमें दिया जाता है, जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट भी थी कि इसमें मैनेजेरियल प्रॉब्लम होते हैं, कोल ब्लॉक नहीं थे, कोयले की कमी थी, डिस्प्यूट थे, क्या कहते हैं लोन लेने में, बैंक से लोन नहीं मिला, ये सारी बातें की जाती है। क्या ये सारी बातें जिम्मेदार हैं पावर सेक्टर की कमजोरियों के लिए, क्या कुछ और है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था, 34 थर्मल पावर प्लांट लगे थे इस देश में, सारे निजी पावर प्लांट, और इन सारों में चीन से इक्विपमेंट लाया गया और ये सारे घाटे पे हैं, और उन्हीं के मुताबिक, वो कंपनियों के मुताबिक ये घाटे पे क्यों है, क्योंकि किसी में PPA नहीं है, पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं, किसी में विदेश से कोई लाभ मंगाया जा रहा है, किसी में जो है ईंधन नहीं है। अब आप सोचिए कि आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, आपके पास ना पेट्रोल है ना सड़क है, तो इसका कौन मैनेजरियल की बात कर रहे हैं आप? ये पार्लियामेंट्री कमेटी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा था और पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, मतलब ईंधन के ना होने की वजह से, लैक ऑफ इनफ पावर परचेस एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल टैरिफ डिस्प्यूट्स, इश्यूज विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैं? ये तो मतलब सीधा सीधा इन लोगों को बिना बात करे इनको, अब एक और ले लीजिए आप एग्जांपल, मुंद्रा में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स लगे थे टाटा और अडानी के, और इसका बिडिंग क्या था कि कौन सबसे सस्ता बेचेगा। अगर आपने कहा मैं 2.20 रुपए में बेचूंगा और मैं कहूं कि मैं 1.80 रुपए पे बेचूंगा, तो मेरे को टेंडर मिल जाता, आपको नहीं मिलता। तो अब मैंने, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं सोच समझ के ये पैसा बताऊं, फैसला लो। अब ये मैंने एक दिन उठ के कह दिया कि साहब हम तो इंडोनेशिया से कोल ला रहे थे, अब महंगा हो गया तो अब हमारा दर बढ़ाइए। तो सोचिए कि प्रयास और एनर्जी वॉच डॉग जो NGOs हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में गए। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन गया, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने का काम इस देश में अब एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन और NGOs का काम हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि भाई जब आपका टैरिफ के बेसिस पे हुआ तो आपको सोच समझ के टैरिफ का फैसला करना चाहिए था। ये उचित नहीं है कि कहीं अगर इंडोनेशिया में बढ़ जाए या कहीं बढ़ जाए तो आपको टैरिफ बढ़ जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। अब उसके बावजूद जो गुजरात सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाया, वापस सुप्रीम कोर्ट में गए, वापस सब करके उन्होंने बढ़ा दिया। अब वही गुजरात गवर्नमेंट भागा फिर रहा है कि हम इतने पैसे कहां से लाके दें। तो ये तमाशा चल रहा है, ये नहीं चल सकता इस तरह से। और इसके लिए किस बात का मैनेजरियल फेल्योर है, ये किसका मैनेजरियल फेल्योर है? ये प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, मैंने आपको अभी मुंद्रा का एग्जांपल दिया, 34 थर्मल का क्या मैनेजरियल फेल्योर है, किसका है ये कौन सी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? आप ही की बात को मैं अगर मैं जोड़ते हुए कहूं तो जून 2017 में पावर सेक्टर का लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए बैंक लोन था, 37,000 करोड़ रुपए का एनपीए था, 60,000 करोड़ रुपए का लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, 50,000 करोड़ रुपए का जो कोल खरीदा गया था उसको ऊंची कीमतों में खरीदा गया था, और फिर से जो मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट थे उसमें भी बहुत सारी धांधलियां थी, ये सारी चीजें थी ही। तब सही बात है कि उसमें क्या कैसे कह सकते हैं कि वाले मैनेजेरियल प्रॉब्लम है। एक बात और आती है कि मोबाइल सर्विस के बारे में कहा जाता है कि मोबाइल सर्विस में कंपटीशन हुआ और कंपटीशन की वजह से दाम कम हो गए, तो क्या ऐसे उदाहरण की बात क्या कहते हैं कि पावर सेक्टर में भी है क्या? एक मिनट में मोबाइल के बारे में एक मिनट के बाद आता हूँ। ये केवल मैनेजरियल नहीं है, इसमें धोखाधड़ी और चोरी है। रेवेन्यू डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने करीब करीब 40,000-50,000 करोड़ के नोटिस दे रखे हैं कि आपने विदेश से लाने में धांधली की है, और दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल है जिसमें उन्होंने आग्रह दिए कितनी धांधली हुई है, ओवर इन्वॉइसिंग कितना हुआ है इक्विपमेंट में। तो इसमें तो फ्रॉड है, ये फ्रॉड का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, ये फ्रॉड का कोई आज तक किसी को, तो ये इसमें मैनेजरी कहाँ है, इसका क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होता? तो ये नहीं चलेगा, ये देश में ज्यादा देर नहीं चलेगा, इसको आज नहीं तो कल अगर हम असफल हुए इसको रोकने में तो हमारे बच्चे रोकेंगे, ये चलेगा नहीं, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है। अब आपकी मोबाइल की बात आई, देखिए मोबाइल और बिजली में बहुत अंतर है। सबसे पहला अंतर यह है कि मोबाइल एक वायरलेस सिस्टम है और बिजली एक वायर्ड सिस्टम। दूसरा अंतर यह है कि चाहे मुकेश अंबानी अपना मोबाइल उठा के टेलीफोन करे या कोई रिक्शा वाला मोबाइल उठा के टेलीफोन करे, वो कॉल रेट सेम है और वो कॉस्ट टू सर्व जितना उसका खर्चा होता है उतना वो रिकवर करते हैं, उतना लेते, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर मुकेश अंबानी फोन करता है क्योंकि वो अरबपति है, पता नहीं दुनिया का सबसे रईस आदमी है, उसको महंगा नहीं मिलता ना सस्ता मिलता है। रिक्शा वाला बहुत गरीब है बेचारा, भूखा मर रहा है तो उसको कोई सस्ता नहीं मिलता, महंगा नहीं मिलता। ये है टेलीकॉम का, जबकि बिजली का ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरेक को अलग अलग वोल्टेज लेवल पे, हरेक को अलग अलग पर्पज के लिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर मैंने बिजली घर लगाया और उसके साथ साथ बाउंड्री के साथ एक स्टील प्लांट लगाया और यहाँ जितना भी पैदा हो रहा है वहां जा रहा है, तो मेरा क्या घटा है? ना कोई ट्रांसमिशन लॉस है ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। अगर मैंने बिजली पैदा किया और पता नहीं कहाँ पहाड़ों में एक एक घर को देता गया या गाँव में पहले कहाँ कहाँ में पंप को देता गया बिजली, तो वहां लॉसेज ज्यादा होंगे। तो दोनों में बहुत दुनिया आसमान का फर्क है, इन दोनों को कंपेयर करना जो है ना वो आलू और बकरी के बीच में कंपैरिजन है। ये आज दोनों खाए जाते हैं और दोनों बाजार को बिकते हैं, तो आलू की कीमत यह है, बकरी की कीमत यह है, ये तो मतलब थोड़ी ना है। तो सर आपसे अंतिम सवाल ये होगा, तो क्या कानून के माध्यम से सुधार क्या मिथक है क्या? एक तरह से दिल्ली में सुधार की बहुत जरूरत है, बहुत 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 जरूरत है, और ये केवल केंद्र सरकार नहीं बना सकती, और मेरा ख्याल है इसमें फेडरल स्ट्रक्चर की जरूरत है, जैसे जीएसटी में है, एक
इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल बनाया जाए जिसमें स्टेट्स की भागीदारी हो, एक जो भी देश में के हित में है, राष्ट्र के हित में है, इसको सोचा जाए और किसानों को और इनको किस तरह से बिजली पहुंचा सकते हैं और किस तरह से सपोर्ट दिया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को, इस पे सोचा जाए और ये खिलवाड़ बंद किया जाए। मैं खाली आपको उदाहरण के लिए जस्ट एक मिनट के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस देश में इन्होंने गया समष्टिपुर कितने, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, गया समष्टिपुर, भागलपुर बिहार में, कानपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन मध्य प्रदेश में, औरंगाबाद, जलगांव और नागपुर महाराष्ट्र में, इन सब में इन्होंने प्राइवेट फ्रेंचाइजीज को ट्राई किया और सब में रेगुलर फेल हो गया और सबको वापस लाना पड़ा। और ये तो हमारे देश का एक्सपीरियंस है और विदेश का, और इनका माई बाप वर्ल्ड बैंक को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ओवरऑल वी फाइंड नो मेजर डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस विच कमर्शियल एंड यूजर्स रिसीव फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज। चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, हमें गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। और खास करके यूके, यूनाइटेड किंगडम के बारे में उन्होंने कहा कि अल्टीमेट एम ऑफ यूके रिफॉर्म्स वर टू रिमूव द सेक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट फंडिंग एंड रिड्यूस प्राइस ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू द इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी इन प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन एंड प्रेशर ऑफ कंपटीशन। ब्रॉडली स्पीकिंग द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सीम्स टू हैव बीन अचीव्ड बट सेकंड ऑब्जेक्टिव इज येट टू बी कन्विंसिंगली अचीव्ड। यानी कि पहला सरकारी से लेकर निजीकरण करने के ये तो हो गया, पर कंपटीशन के जरिए घाटा मतलब प्राइजेस कम हुए या एफिशिएंसी बढ़ा, ये नहीं कहीं दिख रहा है, ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है। तो अगर देश में हमारा ये एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड बैंक का ये एक्सपीरियंस है, तो किस किस आधार पे ये कानून बदलना चाहते हैं? सरकार को सबसे पहले तो एक स्वच्छ पत्र बनाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि किस आधार पे ये कानून बनाना चाहते हैं। आधार तो बताइए, दुनिया का तजुर्बा है, देश का तजुर्बा है, इसको आप नकार रहे हैं और आपके मनमानी क्योंकि आपका है कि वन नेशन वन गवर्नमेंट वन लीडर वन रिलीजन वन, तो ये तो फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस गंभीर और जटिल विषय पर इतने सरल तरीके से हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।